आइए जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है टोटल कॉस्ट इज द वर्टिकल समीशन ऑफ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद है, टीसी का टीएफसी प्लस टीवीसी, इनकी फुल फॉर्म होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो वर्टिकल समीशन होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, तो आप खाली ऑप्शन लिखते रहना ए। ठीक है, बाद में आपको रिवाइज करना होगा तो आपको पता रहेगा सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है इम्प्लिसिट कॉस्ट्स आर। इम्प्लिसिट कॉस्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं, तो बताइए। और उसका मीनिंग याद है इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या? हाँ, मतलब अंडरस्टूड नहीं लिख बोलेंगे, जिसकी अकाउंटिंग नहीं करते वो तो आपने बात सही बोली। और जो एक तरह से कॉस्ट होती है सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की, तो जो ओनर होता है अगर वो कोई अपने सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होता है, जिसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड टीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, इज इट ट्रू? तो फॉर्मूला जिसको याद होगा तो बताए बच्चा या बच्ची। TC इज इक्वल टू सिग्मा एम सी, क्या ये सही है? ट्रू, तो गलत हो गया जी, फॉल्स। अब नोट्स में चेक करो, आपको सिग्मा एम सी जो है ये एक फॉर्मूला लिखवा रखा है और ये किसका होता है? ये होता है TVC का। तो सिग्मा एम सी जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? TVC का। ठीक है, तो TC का नहीं होता, तो उन्होंने गलत दे रखा है फॉर्मूला, तो ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है व्हाट इज़ द जनरल शेप ऑफ MC कर्व, गिव रीज़न। MC की शेप U, वेरी गुड, U शेप, लेकिन रीज़न देना है, नंबर रीज़न के हैं बिकॉज ऑफ, वो तो कहीं और पहुंच गए आप। MC U शेप क्यों होता है, इसका रीज़न लिखवाया था, बताओ दोस्त। हाँ, वेरी गुड, तो ये लिख लो सेंटेंस, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, तो कोई भी कॉस्ट कर्व यू शेप इसीलिए होता है, उसका एक ही रीज़न है छोटा सा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। चलो, उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ में पूछ रहा है AR इज लेस इलास्टिक इन मोनोपोली देन इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एज। तो ये अभी आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये वाला लीव। उसके बाद सिक्स्थ जो है द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR इज व्हेन प्राइस फॉल इज। तो ये आपको कैसे पता? तुक्का। तो क्या था रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, या उसका डायग्राम याद है? चलो, तो मैं बना रहा हूँ फिर बताता हूँ। तो देखो, जो AR और MR का बेसिक डायग्राम होता है ना, व्हेन प्राइस फॉल्स। तो पहले तो ये बताओ, जब प्राइस फॉल होता है तो इसका मतलब ये कौन से वाले केस की बात कर रहा है? क्या ये परफेक्ट कंपटीशन है या ये इम्परफेक्ट कंपटीशन? इम्परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? फॉल। अगर वो कहता प्राइस कांस्टेंट है तो कौन सा? परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये तो हो गया पहले पहचान। अब आप नोट्स में चेक करना, इम्परफेक्ट मार्केट में आपको ऐसा बनवाया होगा, ये बनवाया होगा MR और ये बनवाया होगा AR। ठीक है, ये रिलेशन बनवाया होगा। अब AR जो होता है वैसे तो वही प्राइस है। अब पढ़ो द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR और उस डायग्राम को देखकर बताओ क्या है आंसर। हाँ, बोथ डिक्लाइन। तो अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं। दोनों कर्व्स क्या हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। तो इम्परफेक्ट मार्केट में दोनों कर्व डिक्लाइन करते हैं, AR भी डिक्लाइन करता है और MR भी डिक्लाइन करता है विद इंक्रीज इन सेल। इंक्रीज इन सेल मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 7th बताइए जी, 7th में पूछ रहा है व्हाट चेंज इन टोटल रेवेन्यू विल रिजल्ट व्हेन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है, TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में तो जब मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है तो TR इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से, और सेकंड केस में बिल्कुल सही, तो जब MR डिक्रीजिंग होता है तो फिर TR इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये आप लिख लेना, तो ठीक है। तो MR अगर कांस्टेंट होता है तो TR इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और जब MR डिक्रीज करता है तो TR इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद 8th जो है वो एक जेनरिक क्वेश्चन है, तो तुक्का मार सकते हो। व्हेन ए फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली इट विल बी एट, नहीं इसको ब्रेक इवन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं शटडाउन पॉइंट, ठीक है, इसको शटडाउन पॉइंट बोलते हैं। तो शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, सेफ्टी मार्जिन के लिए बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब प्राइस हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, तो उसको शटडाउन पॉइंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो तो फिर मतलब वो क्या है, तो वो है शटडाउन पॉइंट, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन होती है शटडाउन पॉइंट की, हाँ। ब्रेक इवन होता अगर टोटल कॉस्ट होता, ब्रेक इवन होता है कि प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है या TR जो है वो TC के बराबर है, तो ब्रेक इवन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कब होता है, ये आपने पढ़ी है कंडीशन, जब MR और MC बराबर होते हैं, है ना। चलो 9th देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ऑल द सप्लाई कर्व विच पास थ्रू ऑरिजन आर, तो बस तुक्के मार रहे हो और कुछ नहीं। चलो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर याद करना। मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिखाया था कि एक सप्लाई कर्व होता है ऐसा, एक सप्लाई कर्व होता है ऐसा, और एक सप्लाई कर्व होता है ऐसा। फर्स्ट वाले की इलास्टिसिटी बताओ, अच्छा >1 क्योंकि ये फ्लैटर है। दूसरे वाले की इलास्टिसिटी बताओ, >1 क्योंकि ये स्टीपर है। अब फ्लैटर और स्टीपर की पहचान जो होती है वो भी आपको सिखाई थी। फ्लैटर कर्व को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो वाई एक्सिस को कट करता है, स्टीपर कर्व को आप एक्सटेंड करोगे तो वो एक्स एक्सिस को कट करता है। लेकिन ना तो क्वेश्चन ने हमसे ये वाला पूछा है, ना क्वेश्चन ने हमसे ये वाला पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे थर्ड वाला पूछा है कि सप्लाई कर्व जो है अगर वो ओरिजिन से पास होता है, हाँ जी, तो इसका आंसर है =1। अब =1 की अंग्रेजी बताओ, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है आपको, ये नहीं कि तुक्केबाजी हो रही है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, परफेक्टली इनइलास्टिक तो वैसे ही गलत है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब तो 0 हो गया, वो भी नहीं है, और हाईली इलास्टिक भी गलत है क्योंकि वो >1 है, ठीक है। तो समझ आ गया कौन से टॉपिक का, ये इलास्टिसिटी का। चलो उसके बाद 10th में पूछ रहा है इम्पोजिशन ऑफ GST। अब अगर GST लगाती है सरकार, मतलब टैक्स लगाती है, तो उससे सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, बताओ दोस्त, टू द राइट। और रीज़न, लेफ़्ट होगा ना, क्योंकि आपने सप्लाई के देखो, आपको ना सप्लाई के सारे फैक्टर्स याद होने चाहिए। एक था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक था प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, और अदर फैक्टर में आपको दो लिखवाए थे, हाँ, सब्सिडी और एक्साइज ड्यूटी। तो जीएसटी जो है वो भी एक तरह से एक्साइज ड्यूटी की तरह ही है, यानी कि टैक्स है। तो आपको सिखाया था अगर सरकार टैक्स लगाती है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सप्लाई को कम करने के लिए आप कौन सा शिफ्ट करोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ इन सप्लाई का बेसिकली पॉइंट है कि आपकी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है जब टैक्स लगता है तो, ठीक है। चलो अब 11th और 12th जो है वो आपको पहले अपने आप करना है, जिसके लिए मैं आपको 10 मिनट्स दूंगा। ये भी 3 नंबर का है, फिर मैं चेक करता हूँ वहाँ पे क्या कर रहे हो। 12th भी 3 नंबर का है, ठीक है। नोट से देख के करना है, नोट से देख के करो, अपने आप करना है, अपने आप करो। तो ये दोनों पहले आप करोगे, फिर मैं पूछूँगा 6 मिनट के बाद। बाकी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहले में तो पूछ रहा है हाउ विल एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म शिफ्ट द मार्केट सप्लाई कर, और 12 में पूछ रहा है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी। चलो तो पहले मैं 11th वाला डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको आंसर में क्या क्या लिखना चाहिए, है ना। हाउ विल द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म शिफ्ट द मार्केट सप्लाई कर, तो क्या लिखोगे, मतलब आपने क्या क्या बातें मेंशन करी। सही, तो इसमें आपको ये लिखना है कि इट विल लीड टू द राइटवर्ड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर, क्योंकि उसने मार्केट सप्लाई कर वर्ड यूज़ करा है। तो जब फर्म्स बढ़ जाएंगे तो उससे फिर हमारे मतलब मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो उस वजह से प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, लेकिन सप्लाई कर, हाँ, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिर आपको इसमें क्या बनाना है, डायग्राम। तो वो बनाया, हाँ, इसमें डायग्राम ज़रूर बनाना है आपको। तो वो मैं ऐसी शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ। तो वो उसमें आपका सप्लाई कर्व था एसएस, और नया सप्लाई कर्व आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा एस वन। प्राइस सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपको शो करना है, बाकी फिर आप एक्सप्लेनेशन या कंक्लूजन इसमें लिख सकते हो लास्ट में। चलो अब 12th करो, फिर 12th डिस्कस कर लेंगे। चलो तो देखो 12th क्वेश्चन में कह रहा है डिस्कस द रिलेशन बिटवीन एटीसी एंड एबीसी, ठीक है। तो ये आप मेरे साथ लिख लो, इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। तो देखो एटीसी का मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, उसको आप एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लो कि एसी एंड एवीसी बोथ आर यू शेप्ड कर्व्स। तो एक तो आपको दोनों का ये बताना है कि दोनों ही जो हैं वो यू शेप्ड कर्व्स हैं। दूसरा, एसी एंड एवीसी कम्स क्लोजर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते रहते हैं एज द आउटपुट इंक्रीजेज, ठीक है। ये लिख लेना, 2 पॉइंट्स लिखने इसमें इम्पॉर्टेंट कि AC and ABC comes closer to each other as the output increases, but they never intersect each other. लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इसका रीज़न बताओ क्यों नहीं करते, बिकॉज, हाँ वेरी गुड। तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ AFC, ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें यही 2 पॉइंट्स हैं बस, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी के 2 नंबर मिलेंगे आपको, और 1 नंबर का डायग्राम होगा। तो बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ AFC विच नेवर बिकम्स ज़ीरो, जो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो इस वजह से ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं। तो फिर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ इस तरह का। ये AC होगा, ठीक है, और फिर एक ABC होगा जो इसके नज़दीक आएगा। तो 2 नंबर के 2 पॉइंट्स और 1 नंबर का डायग्राम। तो ये AC और ABC का रिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा। तो क्लियर हो गया। ठीक है, बना लो दोस्त, आप भी बना लो, आपको भी पढ़ना है या मैं तो बना लूँगा, मुझे तो आता है, तो आप भी बनाओ साथ साथ, प्रैक्टिस तभी तो होगी। तो AC और ABC जो है ये दोनों नज़दीक आएंगे लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनका डिफरेंस होता है AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कभी भी ज़ीरो नहीं होएगा। ठीक है, अच्छा अब 2 क्वेश्चन और दिए जाएंगे आपको, फिर वो सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी 3 नंबर का है, ये वाला करना है। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन एनी अदर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई अदर देन द ओन प्राइस ऑफ कंसर्न कमोडिटी, द सप्लाई कर्व मस्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट और राइट, डू यू एग्री, गिव रीज़न। और 14 तो एक न्यूमेरिकल है, वो भी सॉल्व करना है। फिर 10 मिनट्स बाद आपसे दोनों पूछूंगा, तो पहले आप सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर पूछेंगे जी। चलो, तो 13 मैंने चेक कर लिया, जो आपने करा मेजॉरिटी ठीक है। इसमें था कि इफ़ देयर इज़ चेंज इन एनी अदर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई अदर देन द ओन प्राइस। ठीक है, तो आप इसमें यही बोलोगे, जैसे आपने येस तो बोल दिया कि हाँ सप्लाई कर्व लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट हो गया है ना। तो इसके आंसर को मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखना। आप इसमें आप ये मेंशन करना कि अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई कर्व राइट या लेफ़्ट में नहीं शिफ्ट होता। प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई कर्व जो है उसमें मूवमेंट होती है। क्या होती है? मूवमेंट होती है, ठीक है, अलोंग सप्लाई कर्व। लेकिन जब कोई अदर फैक्टर चेंज होता है ना, कोई भी अदर फैक्टर चेंज होता है, तो फिर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट में और राइट में। और आपको फिर इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये दोनों शिफ्ट्स दिखाने पड़ेंगे, और वो तो आपने सही बनाया। तो इसमें आप एक सिंगल डायग्राम पर भी बना सकते हो। एक सप्लाई कर्व बना दो ऐसे SS, और एक बार उसको राइट में शिफ्ट कर दो ऐसे, और एक बार उसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर दो ऐसे। तो आप एक सिंगल डायग्राम पे भी बना सकते हो। बस इसमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा प्राइस है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो जाएगी। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जो प्राइस है वो नहीं चेंज होता, और इस वजह से ही सप्लाई कर्व या तो राइट में या लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वो सेटरस पेरिबस मैंने देख लिया था, आपने बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा, ज़बरदस्ती टीचर को पागल बनाने के लिए आपकी सखी ने, है ना। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्वेश्चन पूछ नहीं था। देखो, इकोनॉमिक्स में यही बात का ध्यान रखना होता है। हाँ, नहीं, रीज़न में ये बताना है कि प्राइस चेंज अगर कर देंगे तो फिर हमारा सप्लाई कर्व जो है वो चेंज नहीं होगा, उसमें सिर्फ मूवमेंट आएगी। तो रीज़न ये है। और जब हम दूसरे फैक्टरों को चेंज करते हैं तो फिर हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, और उस वजह से फिर सप्लाई कर्व को ही शिफ्ट करना पड़ता है, या तो राइट में या लेफ़्ट में, और फिर डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। और क्या, तो इसमें लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। लॉ ऑफ सप्लाई पूछता तो बताओ, नहीं तो इसमें लॉ ऑफ सप्लाई का कुछ नहीं है। ये तो शिफ्ट इन सप्लाई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टू द पॉइंट आंसर देना ना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप टू द पॉइंट आंसर भेजो, लिखो बस। चलो 14 जो है वो तो पहले आप ही को सॉल्व करना है। ए प्रोड्यूसर सप्लाइज 80 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, price elasticity of supply is 4, how much will he supply at ₹9 per unit। तो करो सॉल्व, फिर बताना आंसर। चलो, तो पहले क्वेश्चन में तो ये लिखा था कि प्रोड्यूसर सप्लाइज 80 यूनिट्स, इसका मतलब है ये है आपका Q0, एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, इसका मतलब ये है आपका P0। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ 4, ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 4। हाउ मच विल ही सप्लाई, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितना सप्लाई करेगा। Q1 आपको फाइंड करना है एट प्राइस 9 रुपये पर यूनिट, ये है आपका P1। तो अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं सर, क्या था? हाँ, मतलब उसको ओपन कर दें तो Q1 माइनस Q0 माइनस P0 इंटू P0 Q0, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। इलास्टिसिटी आपको 4 दे रखा है, Q1 कितना है, Q1 हमें फाइंड करना है, उसको x ले लो। Q0 कितना दे रखा है 80, P1 कितना दे रखा है 10, नहीं P1 दे रखा है 9 और P0 दे रखा है 10। उसके बाद P0 है 10 और Q0 है 80, तो ये आपका मैथमेटिक्स बन जाएगा। इसको सॉल्व करके x फाइंड आउट करना है, तो कर लोगे या मैं करूँ? तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1/8। क्या आ रहा है सर? इसको सॉल्व करके तो -8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो -32 इज इक्वल टू एक्स माइनस 80, तो x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 32, तो 48 वाले सही थे इसका मतलब, ठीक है। तो आपका Q1 की वैल्यू आ जाएगी 48, ठीक है। तो समझ आया फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन। चलो अब कुछ छोटे क्वेश्चन है, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ए में पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व इज, तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से कौन सा सही होगा? इज यू शेप्ड, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो कैसा होता है? यू शेप होता है। उसके बाद बी, मार्जिनल कॉस्ट में बी राइजिंग इवन व्हेन एवरेज कॉस्ट इज, श्योर? अब या तो फॉल बोल दो या राइज बोल दो। अब उसके लिए आपको AC और MC का वो याद है डायग्राम, फिर बताना। ये होता है AC और ये होता है MC, ठीक है। अब उसने जो बोला है वो बोला है कि, पढ़ो दोबारा से इंग्लिश, मार्जिनल कॉस्ट मे बी राइजिंग, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कहाँ से राइज करता है? यहाँ, इसके बाद से, यहाँ से, ये है मार्जिनल कॉस्ट जो राइज कर रहा है। तो कह रहा है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मे बी राइजिंग इवन व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। तो मतलब वो सेंटेंस है बेसिकली इनके रिलेशन में, तो इसीलिए याद रखना है। उसके बाद थर्ड, सी, व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट MR शुड बी कांस्टेंट। ये ऊपर भी आया था, ऊपर दूसरे वे में पूछा था। ऊपर MR आपको कांस्टेंट दिया था, ये रहा देखो, और पूछा था टोटल रेवेन्यू क्या होगा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेगा। इस फिल इन द ब्लैंक में उल्टा दे रखा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा। बाकी डी मैं पढ़ लूँ, क्या लिखा है कि भाई अंडर डैश कंपटीशन द टोटल रेवेन्यू इज़ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, बताओ। तो उसका याद है TR कर्व, बताओ कितने डिग्री की लाइन बनाता है वो? 45, हाँ 45 डिग्री लाइन बनाता है वो, ठीक है, ठीक है। ऐसा होता है TR कर्व। चलो उसके बाद E, इफ़ द फर्म इंक्रीजेज इट्स आउटपुट इवन आफ्टर MR इज इक्वल टू MC एंड द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन MC बिकम्स डैश MR, पक्का सही। तो कंडीशन होती है एम सी इज इक्वल टू एम आर और उसके बाद एम सी शुड बी ग्रेटर देन एम आर। चलो अब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके लिए पहले आपको मिलेंगे 8 मिनट। 80 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है। What would be the shape of demand curve so that the total revenue is? तो करो डायग्राम्स बनाने, इसमें 2 केसेस हैं तो 2 डायग्राम बनेंगे। तो पहले आप करो 4 नंबर, फिर मैं चेक करता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब ध्यान से मेरे साथ समझना। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व ठीक है। क्वेश्चन आपसे डिमांड कर्व की शेप जानना चाहता है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डिमांड कर्व जो होता है आपको याद अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो और अच्छी बात है। डिमांड कर्व एआर कर्व को भी बोलते हैं, मतलब एआर जो होता है एवरेज रेवेन्यू वही डिमांड कर्व होता है। तो क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ एआर कर्व सो दैट टोटल रेवेन्यू कर्व इज़। उसने 2 केस दे रखे हैं। ए पॉजिटिवली स्लोब्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, पहला केस तो ये है, और बी हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा केस ये है ठीक है। तो इसका आंसर आप मेरे साथ लिखो, मैं लिखवाता हूँ आपको कि कैसे लिखना है आंसर नंबर 16 ठीक है। चलो तो मेरे साथ साथ लिखना। पहले आप इसमें पेज को 2 पार्ट कर दो क्योंकि इसमें 2 केस है ना, तो मैं आपको दोनों केस सिखा देता हूँ, केस 1 केस 2। पहले केस में कह रहा है टोटल रेवेन्यू इज क्या बोला था, टोटल रेवेन्यू इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, टोटल रेवेन्यू इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन। ये तो है पहला केस। और दूसरे केस में बोला था कि टोटल रेवेन्यू इज हॉरिजॉन्टल, ये है दूसरा केस। तो एक बार आप बस ऐसे ही बताओ नॉलेज के लिए मेरी कि पहले केस में टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा बनेगा और दूसरे केस में टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा बनेगा, इस इंग्लिश को पढ़ के। कि पहले केस में टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा बनेगा और दूसरे केस में कैसा बनेगा। नहीं, पहले वाले केस में कैसा बोल रहे हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मतलब ऐसा बनेगा जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जिसको आप कहते हो टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। तो ये उसका इनडायरेक्टली देने का ये तरीका है कि टी आर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। अच्छा, अब दूसरी वाली इंग्लिश पढ़ के बताओ कि टी आर कर्व कैसा बनेगा, तो वो क्या होता है। हाँ, इसको बोलो, हाँ ऐसे को बोलो ना, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। हाँ ये बोलो, अपने ज़ुबान से ये शब्द निकालो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, पैरेलल टू एक्स एक्सेस ठीक है। अब क्वेश्चन लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि आपको टी आर का डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन आपसे किसका डायग्राम या किसकी शेप बनवाना चाहता है, डिमांड कर्व की। और डिमांड कर्व मतलब ए आर कर्व, ये आपको बताया था पहले। ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू को ही डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो मैं आपको एक शेड्यूल के हेल्प से सिखाऊंगा। तो दोनों केसेस में हम एक छोटा सा शेड्यूल बनाएंगे। आउटपुट 1 2 3 4 लिख लो, ठीक है, छोटा सा ही शेड्यूल बनाना है। आउटपुट 1 2 3 4। चलो, अब क्योंकि आप बच्चे तो होशियार हो तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले केस में टोटल रेवेन्यू की कोई वैल्यूज़ बताओ, ऐसी वैल्यूज़ बताओ जो उस शेप को कॉरस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो मतलब वैल्यूज़ क्या लिख लें, 2 4 6 8। वेरी गुड, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को कांस्टेंट रेट से बढ़ाओगे तो मतलब इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए। कोई भी वैल्यूज़ आप लिख सकते हो, तो आप 20 40 60 80 वो भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल चाहे। ठीक है, अब ऐसी दूसरे केस में TR की वैल्यूज़ बताओ जो उस शेप को कॉरस्पॉन्ड करे। तो 2 नहीं लिखते, थोड़ा सा आपको नहीं तो तकलीफ आएगी, लेकिन उस शेप को कॉरस्पॉन्ड करने के लिए TR की वैल्यूज़ क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, सेम होंगी। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लिख लेते हैं जो थोड़ा सा इजी हो, तो 12 लिख लेते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत कम आएगी। ठीक है, तो आप भी लिख लो। तो पहले केस में TR जो है वो कह रहा है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और दूसरे केस में कह रहा है कि TR एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब वो कांस्टेंट है। लेकिन आपको अल्टीमेट चीज़ पता लगानी है, आपको ये पता लगाना है कि अब इस केस में मतलब डिमांड कर्व कैसा बनेगा। तो आपको पहले ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले केस में AR की वैल्यूज़ निकालिए और फिर दूसरे केस में निकालिए, और उन वैल्यूज़ के हिसाब से फिर आपको AR का डायग्राम बनाना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो पहले तो AR की वैल्यूज़ निकालिए। AR का फॉर्मूला याद है, बताओ निष्ठा दीदी, AR का फॉर्मूला TR अपॉन आउटपुट। हाँ, तो टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा। तो कर करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। ठीक है दोस्त, समझ गए TR अपॉन आउटपुट। तो बताओगे वैल्यूज, बताओ फर्स्ट केस में 2, फिर अगला 2, अगला अगला। वेरी गुड, तो अब आप डिमांड कर्व की शेप बताओ पहले केस में। कैसी होगी शेप? हाँ, तो ये आपका आंसर है केस 1 का। तो केस 1 का आंसर आपका ये है कि डिमांड कर्व की शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी केस 1 में, क्योंकि AR की वैल्यूज़ 2 2 2 2 2 निकली हैं, यानी कांस्टेंट निकली हैं। अब दूसरे केस में निकालो AR की वैल्यूज़ 12 6 4 3। ओके, तो उन वैल्यूज़ को देख के बताओ। नहीं, इंक्रीज़ तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ डिक्रीज़ ही हो रहा है। 12 और 6 फिर 4 और 3, तो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप में। इसको कॉन्वेक्स नहीं बोलते, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट शब्द लिखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सेकंड केस में डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ये है इसका आपका मेन आंसर। ठीक है, तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको TR की वैल्यूज़ से या TR की शेप से, मतलब क्वेश्चन आपको TR की वैल्यूज़ का दे रखा था, लेकिन उससे आपको AR की वैल्यूज़ या AR की शेप का पता लगाना था, का रिलेशन है। लेकिन बहुत ही नहीं, वो वाला तो अलग केस है, वो इम्परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बेसिक रिलेशन है जो पता होना चाहिए, और पहला वाला जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का रिलेशन है। वो कोई मार्केट नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ ना। तो जो आपको सेकंड केस दे रखा है, ये तो बुद्धिमता का प्रश्न था कि बच्चे को दिमाग लगाना है अपने आप, ये कोई मार्केट नहीं होता। पहला केस तो परफेक्ट मार्केट होता है। हाँ, पहला केस तो परफेक्ट मार्केट होता है, लेकिन दूसरा केस कोई मार्केट नहीं है। इम्परफेक्ट मार्केट में हमने बनाया था, वो यहाँ बना के दिखाया था, इम्परफेक्ट मार्केट में तो टीआर ऐसा होता है, पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पर पहुंच जाता है और फिर फॉल कर जाता है। इम्परफेक्ट मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गई कहानी। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे जी, 17th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। पहले इज अ प्रोड्यूसर एट इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है नीचे दी हुई सिचुएशंस में। तो इसमें दो सिचुएशंस है, पहली तो है व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, और सेकंड है व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। चलो तो पहले आप लिखो, फिर मैं आता हूँ आपके पास रजिस्टर चेक करने, फिर करते हैं क्या है। चलो तो करते हैं, देखो साथ साथ। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है फॉलोइंग सिचुएशन में या नहीं। तो आप ना इसमें कैसे करना, आप मेरे साथ नोट कर लो। इसमें जो डायग्राम आप बनाओ, पहले वो बनवा देता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप इसमें डायग्राम बनाओगे तो मेजॉरिटी बच्चों का डायग्राम इतना तो सही था कि आपने ये एम आर बना लिया और ये आपने एम सी बना दिया, ठीक है, और आपने इसमें एक पॉइंट ये मार्क कर लिया ए, यहाँ पर एम सी और एम आर इक्वल होते हैं, और एक पॉइंट आपने ये मार्क कर लिया बी, यहाँ पे भी एम सी और एम आर इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन आपको एक पॉइंट और मार्क करना चाहिए जो केस वन को दिखाएगा। ये दोनों तो कौन से केस को शो कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट, केस टू को, क्योंकि केस टू में उसने कहा व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, लेकिन केस वन में कह रहा है व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। तो आपको कोई एक पॉइंट ऐसा मार्क करना है, मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ आपके लिए, जैसे आप यहाँ मार्क कर लो कोई भी, लेट्स से सी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एम आर की वैल्यू ज़्यादा है और एम सी की वैल्यू कम है, समझ आ गया जी। सी वाले लेवल पर एम आर ज़्यादा है और एम सी कम है, छोटा है। तो आपको अपना डायग्राम पहले ये बनाना है। पहले डायग्राम समझ आया। अब केस वन में ये पूछ रहा है कि क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, तो आप बताओ कि क्या पॉइंट सी पर इक्विलिब्रियम है। पॉइंट सी पर जब एम आर इज ग्रेटर देन एम सी नहीं है ना, हाँ, तो केस वन का आंसर तो नो है, तो वो तो आपने सही सोचा था, बताया था, बस डायग्राम पे ये शो करना है कि केस वन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। अच्छा रीज़न क्या दोगे, उसने रीज़न भी पूछा है कि इसका रीज़न क्या है। हाँ वो वाला पॉइंट लिखना है, तो इसमें डिक्रीज़ नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को किस पॉइंट तक पहुँचना है अल्टीमेटली, बी पॉइंट तक, क्योंकि आपको पढ़ाया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक्चुअल में इन तीनों पॉइंटों में से कौन सा होता है, बी, इन तीनों। अगर डिक्रीज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि प्रोड्यूसर ए पॉइंट की तरफ चला जाएगा, मतलब आउटपुट कम हो जाएगा। तो उसको कम तो नहीं करना, उसको तो क्या करना चाहिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो इसमें आप रीज़न यही दोगे फर्स्ट केस में कि पॉइंट सी पर वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और इनफैक्ट इस केस में, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। हाँ ये बताना है, वो तो हम कंडीशन लिख ही देंगे, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लिख ही दी ना, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी शुड बी राइजिंग। तो वो इस वाले पॉइंट पर, सी पॉइंट पर नहीं है, तो इसीलिए सी पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। वो तो आपने सही लिखा था जो कंडीशन लिख के दी। तो पहला केस तो हो गया कि वो इक्विलिब्रियम नहीं है। सी पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है। अब केस टू में पूछा था कि जब MR इज इक्वल टू MC होता है तो क्या इक्विलिब्रियम होता है, बताओ केस टू में क्या लिखोगे आप। हाँ, तो इसमें आपको ना दोनों पॉइंट समझाने पड़ेंगे, पहले पॉइंट A भी और पॉइंट B भी। तो उसमें आप अपनी वही स्टोरी चेप सकते हो नोट्स वाली। पॉइंट ए पर आप कहोगे कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो इसलिए पॉइंट ए तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। पॉइंट बी पर पहली भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो पॉइंट बी जो है वो इक्विलिब्रियम है। हाँ, तो सेकंड केस जो है वो आपका डायरेक्ट अपना नॉर्मल केस है, नॉर्मल मतलब क्वेश्चन है जिसमें आप ए और बी पॉइंट समझाते हो। तो समझ आ गया दोस्त। अब तो इसमें ये क्वेश्चन मतलब इसलिए अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें आपको ए और बी पॉइंट तो जो पढ़ते हो वो तो बताना ही था, लेकिन एक ये पॉइंट भी अलग से बताना था कि जब एम आर ग्रेटर देन एम सी होता है। चलो अब बस लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। लास्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने, लेकिन रीज़न तो मैं पूछूंगा ताकि आप तुक्के मार रहे हो ये पता चल जाए। तो ए से शुरू करते हैं। MC is greater than AC when production is in a state of diminishing returns। तो ये तो मुझे पता है कि आपको नहीं आता, तो इसीलिए ये मैं पहले ही बना ही लेता हूँ। तो MC और AC का डायग्राम आपको आता है, बताओ MC और AC का डायग्राम याद है कि नहीं, बोलो यस के नो। यस सर, ठीक है। चलो अब जो है क्वेश्चन ने बोला है व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, तो मैं पूरा वो वाला एरिया मार्क कर रहा हूँ जब MC AC से ग्रेटर है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो एरिया है इस समय MC AC से ग्रेटर है, ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC प्रोडक्शन इज इन स्टेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कह रहा है उस समय प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज में होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कौन सी स्टेज होती है पहले ये बताओ, 1, 2 या 3? 2। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और सेकंड स्टेज कौन सी होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड होती है नेगेटिव रिटर्न्स। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस येलो वाले एरिया में या इस येलो वाले पॉइंट पर हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स में होते हैं, तो क्या वो सही कह रहे हैं या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा, चलो तो इसके लिए मैं सिखा देता हूँ। MC का और MP का मैंने आपको एक रिलेशन वैसे ही बताया था कि कॉस्ट में और प्रोडक्शन में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब MC फॉल करता है तब MP राइज करता है, तो वो प्रोडक्शन की स्टेज 1 होती है। लेकिन जब MC राइज करता है तो MP फॉल करता है, वो प्रोडक्शन की स्टेज 2 होती है। तो अब आप अगर ध्यान से कंपेयर करें कि जिस समय मैंने वो येलो एरिया बना रखा है, क्या उस समय स्टेज 2 चल रही होगी, चल रही होगी नहीं, क्या चल तो रही है। अगर मैं स्टेज 1 को देखूं तो स्टेज 1 कहाँ तक ख़त्म हो गई होगी, यहाँ तक, और उसके बाद तो कौन सी स्टेज चल रही है, ये वाली कौन सी स्टेज होती है जब तक मतलब MP फॉल कर रहा होता है, ये पूरी कौन सी स्टेज होती है, स्टेज 2। तो लगभग ये सेम ही एरिया निकलेगा अगर आप देखोगे ध्यान से। तो जब MC AC से ज़्यादा हो रहा होता है तब लगभग प्रोडक्शन में भी स्टेज 2 ही चल रही होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर जो है वो आपको ट्रू लिखना है, ट्रू। तो ये सही कह रहा है, तो ये मुझे पता था कि आपको नहीं आता होगा। चलो B आपको आता है, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये तो आज का पहला क्वेश्चन में भी था, AC और AVC। are apart from each other by a constant factor. मतलब ट्रू या फॉल्स बताना है. क्या AC और ABC जो है इनका गैप कांस्टेंट रहता है? अरे गुरु, ट्रू या फॉल्स बताओ. फॉल्स. इन दोनों का गैप कांस्टेंट थोड़ी ना रहता है, इन दोनों का गैप तो कम होता रहता है. इन दोनों का जो गैप है वो कांस्टेंट नहीं रहता, इन दोनों का गैप कम होता रहता है, नैरो होता रहता है. तो अंग्रेजी के भी ट्यूशन लगवाओ आप साथ में, कि जो चीज़ें पता हैं वो भी गलत हो रही हैं. थर्ड, एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो. तो ये मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा. एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम बताना. जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो कौन सा मार्केट होता है, बताओ ज़रा. परफेक्ट मार्केट. तो जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो कौन सा मार्केट होता है, वो परफेक्ट मार्केट. अब नोट्स में परफेक्ट मार्केट में ढूंढ के आओ कि MR कैसा होता है. वो तो TR होता है. तो ये देखो नलायक लड़कियां. तो परफेक्ट मार्केट में आपको बताया था कि AR कर्व और MR कर्व कोइंसाइड ही करते हैं, यही इक्वल होता है. तो वो कह रहा है कि ये ज़ीरो होता है, तो क्या ये ट्रू है? फॉल्स. ठीक है ना. उसके बाद D, तो ये मोनोपोलिक है तो ये आप छोड़ सकते हो. अंडर मोनोपोली TR कर्व इंक्रीजेज एट ओनली डिमिनिशिंग रेट, तो ये लीव कर दो आप, छोड़ो. E, इन द लॉन्ग रन फर्म मस्ट कवर ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो तुक्का मार दो, वैसे लॉन्ग रन का क्वेश्चन चांस कम होता है आपसे पूछे, क्योंकि आपकी स्टडी में शॉर्ट रनिंग है. तो ट्रू कर लो, सही है वैसे तुक्का. चलो F बताना, ये आज पढ़ाया था अभी. इफ़ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व shoots from y-axis, elasticity of supply is less than 1. याद है shoots from y-axis कौन सा था? फ्लैटर वाला है ना. ये y-axis से शूट कर रहा है, शूट मतलब कि कट कर रहा है. तो इस समय इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या बताई थी? 1 से बड़ी. और इसने क्या बोला है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू है कम, तो क्या हो गया? फॉल्स. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका. इसके बाद G लास्ट, मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज द सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल. और रीज़न सच तो है. क्यों सच है? क्योंकि मार्केट ही इंडस्ट्री है, या मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक तरह से पूरी इंडस्ट्री का ही सप्लाई शेड्यूल शो करता है. चलो ठीक है, डन, छुट्टी.